हेलो बैकबेंचर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स पाठशाला। तो मैथ की सीरीज़ में आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम रूल ऑफ बॉटनस पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो बॉटनस है, हम पहले बॉटनस को जान लेते हैं कि होता क्या है। बॉटनस में BODNAS, जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जितनी भी ब्रैकेट हैं, बड़ी ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, या जो बार ब्रैकेट होती है ना, ये सारी ब्रैकेट हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ या ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट में क्या हो जाता है, इसमें किसी की भी पावर, एक्स की पावर है, ठीक है, ये आ जाता है, या कोई भी हमने वैल्यू लिखी है, इसके बाद में ब्रैकेट है, तो इसके बीच में जो वैल्यू, सबसे पहले हम इसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आ जाता है। इसके बाद में आता है डिवीजन। डिवीजन में हम किसी को भाग देते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस तरह से दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम गुणा, इसके बाद में गुणा आता है। एडिशन में प्लस आता है और लास्ट में माइनस आता है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें ये और क्लियर हो जाएगा कि बॉडमास वर्क कैसे करता है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, अब हम इसे बॉर्ड मास से कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें क्या ब्रैकेट चेक करना है। तो ब्रैकेट यहाँ पे हमें ये दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × ये कितना हो जाएगा, 6 + 5 की पावर 2। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ या ऑफसेट, तो ऑर्डर ऑफ हमें दिख रहा है ना, ये पावर वाला है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 6 + ये 25 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में आ रहा है हमारा डिवीजन तो है नहीं, अब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इसके बाद में हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18 + 25। अब लास्ट में हमारा फिर एडिशन यही बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा 43, तो ये हमारा 43 आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन और लिया है, हम इसे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट में एक से अधिक साइन है, मतलब बुरा भाग, एक से ज्यादा चीजें या ऑपरेशन हो रहे हैं, तब क्या करेंगे, हम उनमें भी देखेंगे उनमें प्रायोरिटी किसे दी जाए। तो इसमें माइनस है और गुणा है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे, हम गुणा को देंगे, क्योंकि माइनस क्या है, सबसे लो प्रायोरिटी वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 14 प्लस, अब जो ब्रैकेट है इसके अंदर सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा हमारा 8 - 6। अब इसके बाद में हमारा हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ये बच जाएगा हमारा 2 8 - 6 हो जाएगा, लास्ट में हम इसे जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रायोरिटी वेज पे करेंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ब्रैकेट्स की आती है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर एक से अधिक साइन है, तो उन साइनों में भी हम देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी अधिक है। अगर डिवीजन पहले है तो डिवीजन करेंगे, अगर गुणा मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सभी दिए, तो प्रायोरिटी बेस से चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, उसे पहले करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इसमें मैंने सारी ब्रैकेटों का यूज किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हम 25 से स्टार्ट किया, हमने देखा बड़ी ब्रैकेट है। अब इसके बाद में फिर अंदर जाएंगे तो हमें एक ब्रैकेट और मिलती है, और अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें एक ब्रैकेट और मिलती है, फिर इसके बाद में बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना है, जो भी ये साइन दिए हैं, ये हमारा प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, हम सीधे सीधे इसको घटा देना है, बाहर की चीज़ हमें नहीं देखना है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 - 20 - 10 - 7 - ये हमारा बचेगा 2। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, इस पूरी ब्रैकेट को। अब ये हमारा सॉल्व होगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, 25 - 20 - 10 - 5। हमने दो ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, अब हम इस वाली ब्रैकेट को, मझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमें स्टेप बाई स्टेप करना है, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हमेशा राइट आंसर आएगा। तो ये हमारा बचेगा 5, जो कि बाहर माइनस चिन्ह था, तो बाहर माइनस का लग जाएगा। फिर हम इस वाली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे, अब हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। 15 को भी हम घटा देंगे 25 से, तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए अपडेट को जानने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें अभी तक हमने
जितने भी टॉपिक अभी तक किए हैं कवर, उन सब के क्वेश्चंस होंगे और उसकी प्रैक्टिस होगी।